बहुत शुक्रिया मैडम। और मैडम, मैं अपनी चंद गुजारिशात का आगाज़ करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि आई एम क्रिश्चियन एंड आई डू रिस्पेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। और मोदी सरकार ने जो ये एक शर्मनाक सा अमल किया है, मैं बैसी द क्रिश्चियन उसका सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर और जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं उन तक ये मेरी गुजारिश जाएगी। और मैं इस बात पर यकीन रखते हुए कि ये एक इंसानी हकूक का भी मसला है और जो सिंध जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ पर बड़ा बिलीव करती है कि हर मजदूर को उसका हक मिल सके। एक ऐसा निगलेक्टेड एक वर्कफोर्स है जो हमेशा से जो है उसकी ना कोई आवाज़ है, ना उनको उस तरीके से उनके मसाइल को एड्रेस किया जाता है, वो है जेनेटोरियल स्टाफ। एक तरफ वो रेगुलर स्टाफ है और दूसरी तरफ उनको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के मैनेजमेंट के तहत उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है और कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमिन किसी भी तरह सोशल नेट में नहीं है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। वो डेली बेसिस पर वो उनको जो है वो पे किया जाता है, किसी भी किस्म की ना वो जो फ्रेंच बेनिफिट्स हैं वो उसके हकदार नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि सिंध में जो भी मजदूर किसी भी अदारे में जो मजदूरी करता है और वो मेरे और आपके ईमान को मुकम्मल करता है, क्योंकि हम कहते हैं कि सफाई निसफ ईमान है। ये सिर्फ मेरा ईमान नहीं, आपका भी ईमान है, सब जो है वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं, तो उनको सोशल नेट में लाया जाए, उनकी सोशल सिक्योरिटी का एहतमाम किया जाए। ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स जो है इस सोशल नेट से बाहर है। बहुत शुक्रिया जी।